अगर हम एक ऐसे सोलेनॉइड को एक सर्किट में जोड़ दे बैटरी के साथ अगर उसे हम जोड़ दे और फिर इस सर्किट को हम ऑन कर दे तो फिर इसके अंदर बनता है मैग्नेटिक फील्ड ये हमें पता है कि सोलेनॉइड से अगर करंट पास करे तो फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इमीडिएटली सेटअप नहीं होता है बल्कि इस तरह के केस में मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप होने में काफ़ी समय लगता है और ये जो सर्किट का करंट है ये धीरे 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 बढ़ता है और मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करता है जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे मतलब सर्किट को ओपन कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इमीडिएटली वैनिश नहीं करेगा और करंट भी इमीडिएटली जीरो नहीं होगा बल्कि ये दोनों धीरे धीरे घटते 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 जीरो को अप्रोच करेगा तो जैसा हम नॉर्मली सोचते हैं जो हमारा कॉमन सेंस है वो ये कहता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसे ही करंट सेटअप हो जाएगा जो कि नॉर्मल रेजिस्टर्स के केस में ऐसे ही होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम सर्किट का स्विच को ऑन कर दें तो इमीडिएट करंट मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है लेकिन इस तरह के सोलनॉइड के केस में, जिसे कि हम इंडक्टर्स भी कहेंगे इस तरह के केसेस में जो करंट है वो इमीडिएटली मैक्सिमम वैल्यू को अप्रॉच नहीं करता या मैक्सिमम वैल्यू करंट का नहीं बन जाता है, बल्कि ये धीरे 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 बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू को अप्रॉच करता है ऐसा क्यों होता है इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बैक ईएमएफ क्या है इस बैक ईएमएफ के एफ कॉन्सेप्ट को हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंजेज लॉ से समझेंगे तो चलिए देखते हैं कि ये बैक ई एम एग्जैक्टली होता क्या है तो सबसे पहले हम लोग इस सोलेनॉयड का जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को लिख लेते हैं सबसे पहले तो देखिए ये जो सोलेनॉयड है इस सोलेनोइड का जो लेंथ है ये लेंथ मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है ये लेंथ है एल और साथ ही साथ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ से यहाँ से इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चलिए मैं इस सर्कल से डिनोट कर देता हूँ इसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इसमें जो टर्न्स है इसमें एन टर्न्स एन टर्न्स है एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ अब चूंकि इसका लेंथ एल है तो टोटल टर्न्स जो है टोटल टर्न्स टोटल टर्न्स ये ऑब्वियसली होगा इसका लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेटर से टोटल टर्न इज कैपिटल एन ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड विथ एन स्मॉल लेटर एन क्योंकि एन टर्न पर यूनिट लेंथ है इसे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल टर्नस मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू एन इन टू एल अब देखिए यहां से जब हम इसे ऑन करेंगे इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे मतलब सर्किट जब क्लोज्ड सर्किट होगा स्विच को हमने ऑन कर दिया तो इसमें एक करंट सेटअप होगा तो करंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ ऐसे करंट इस तरह से सोलेनॉइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करेगा और ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए ये फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा से द करंट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में करंट जो है ये करंट कैपिटल आय है तो फिर इस करंट के कारण क्या होगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा तो ये साइड जो है ये साइड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा चलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरह से अंदर बनेगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगा और जो कि जो कि इस तरफ दाहिनी तरफ ऐसे दाहिनी तरफ बाहर की तरफ इस तरह से निकलेगा फिर ये आगे चल के फ्रिंज करेगा ऐसे ये फ्रिंज करेगा बाहर निकल के यहाँ से भी ये फ्रिंज करके अंदर की तरफ आएगा इस तरह से सो so, सो so ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो रहा और ये जो हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया अंदर से ही क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया तो वही पार्ट बाहर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर वाले सेक्शन को ही हमने यहाँ बाहर ड्रॉ किया है तो ये जो एरो है ये इस इस क्रॉस सेक्शन का ये जो एरिया है इस एरिया के हर पॉइंट में बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरोज और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर एक फ्लक्स बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा हमें पता है दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड जिसका कि एरिया है ए और उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ये है बी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए चूंकि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ए सर्फेस पे नॉर्मल है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विथ एरिया ये हमें फ्लक्स देगा यहाँ जो भी एक क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करेंगे एक क्रॉस सेक्शन जो कंसिडर करेंगे उस एरिया के साथ एसोसिएटेड या उस सर्फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स होगा बी इंटू ए तो फिर यहां से क्लियर है कि जो फ्लक्स अंदर बन रहा है जो फ्लक्स एक सर्फेस के साथ एसोसिएटेड क्रॉस सेक्शन एक क्रॉस सेक्शन में उस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो है ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा अंदर बने मैग्नेटिक फील्ड का और हमें पता है कि इस तरह के केसेस में सोलेनॉयड में जब आई करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है करंट के यहाँ पर रिलेशन मैं लिख के दे दूँ यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉयड के अंदर उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर होता है म्यू नॉट अंदर अंदर मान लेते हैं एयर है तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यूनॉट इन टू इन टू एन नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ इन टू करेंट आई ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर का ये जब आप सोलोनॉइड पढ़ रहे थे पिछले एक चैप्टर में तो आपने ये फार्मूला डिराइव किया था तो ये क्लियर है कि एक सरफेस के साथ क्रॉस सेक्शन के सरफेस के साथ एसोसिएटेड uh, जो फ्लक्स है ये उस उस सोलोनॉइड से पार होता हुआ करंट जो है उसके साथ ये प्रोपोर्शनल होता है तो फिर टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स भी इसी करंट पे प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि टोटल फ्लक्स पता करने के लिए हमें क्या करना होगा एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन इंटू ए एन इंटू ए इतना सरफेस अंदर बनेगा उतना सर्फेस एरिया इफेक्टिव सर्फेस एरिया अंदर बनेगा जिसके कारण फ्लक्स भी एन टाइम्स हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स अगर देखिए टोटल फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मैं सिर्फ फ्लक्स लिख रहा हूं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस सोलेनॉइड के अंदर जो होगा ये होगा एन इन टू फाइ सब बी क्योंकि phi B जो है, एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड क्रॉस सेक्शन के एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है तो फिर तो फिर ये भी चूंकि हम एक कॉन्स्टेंट से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा करेंट के साथ क्योंकि ये फाइवी जो है ये आई के साथ प्रोपोर्शनल है करंट के साथ प्रोपोर्शनल है अब देखिए यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो फिर तो फिर हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा यहां पर उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है सो so, एल से उसे डिनोट करते हैं एल इंटू आई यहां पर मैं लिख दू कि ये जो है इसी को सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है इसे इस एल को तो ये एल जो है ये करंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है बल्कि करंट पे इंडिपेंडेंट होता है इसीलिए इस एक्सप्रेशन में एल के साथ करंट मल्टीप्लाइड है और करंट इस केस में वेरी करेगा अगर तो फिर ये अंदर का फ्लक्स भी वेरी करेगा ये जो एल है जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये इस सोलोनॉयड इस के जियोमेट्री पर डिपेंड करता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है इस पर डिपेंड करता है और अगर हम i को वेरी करें तो फिर फ्लक्स भी वेरी कर जाएगा और हमें पता है फ्लक्स वेरी करने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है तो उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं फिलहाल तो ये जो एल है इस एल का जो वैल्यू निकल के आएगा इस केस में वो वैल्यू एक बार देख लेते हैं जैसे कि हमने बात किया था कि एल का वैल्यू अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना होगा अगर अगर हमें इस फाई बी का वैल्यू पता हो तो हम एल का वैल्यू पता कर सकते हैं तो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो एल है सेल्फ इंडक्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू एन फाई बी डिवाइडेड बाई यहाँ से डिवाइडेड बाई आई तो फिर तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए एन मल्टीप्लाइड विथ फाई बी इज बी इंटू ए सो फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और डिवाइडेड बाई ये करंट आई आगे बढ़ते हैं n के जगह पे n के जगह पे हम स्मॉल लेटर n इंटू एल इंट्रोड्यूस करेंगे सो so, n इंटू एल इन इन प्लेस ऑफ एन और यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड उसके जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन हम इंट्रोड्यूस करेंगे म्यू नॉट म्यू नॉट एन इन टू आई और यहाँ पर सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आई तो यहाँ से यहाँ से ये आय और ये आई इसे हम कैंसिल कर देंगे और और हमें एल के वैल्यू के तौर पर सेल्फ इंडक्टेंस एल के वैल्यू के तौर पे मिलेगा एन म्यू नॉट पहले लिख लेते हैं नॉट एन स्क्वायर एन स्क्वायर एल ए या एल तो ये हो गया ये हो गया इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू यहां पर हमें इसका वैल्यू मिल गया अब अगर मान ले कि यहां अंदर इस जगह पे इस जगह पे अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया एक एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कि अंदर इस जगह पे पूरे स्पेस में हमने एक ऐसा ऐसा मटेरियल इंसर्ट किया जिसका कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या माफ़ कीजिएगा रिलेटिव पर्मिबिलिटी म्यू आर है तो जो अंदर का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या अंदर का परमिएबिलिटी हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कंसिडर कर रहे थे वहाँ पर अंदर का परमिबिलिटी हो जाएगा रिलेटिव परमिबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तो यहाँ पर अगर अगर म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी का एक एक मटेरियल एक मटेरियल यहाँ पर इंसर्ट किया गया इंसर्टेड अंदर अगर इंसर्ट किया गया तो इस केस में क्या होगा इस केस में इसी 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 सोलेनोइड का जो जो इंडक्टेंस होगा सेल्फ इंडक्टेंस होगा ये अब हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल एल स्मॉल लेटर में ए एल सो ये ये जो है ये तब होगा जब हम अंदर एक ऐसा मटेरियल इंसर्ट करेंगे जिसका कि रिलेटिव पर्मबिलिटी म्यू आर है तो ये दो फॉर्मूलाज जो है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर 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 सेल्फ इंडक्टेंस अब देखिए हम जैसे बात कर रहे थे यहाँ से अगर हम आई को वेरी करें अगर इस आई को करंट को वेरी करे तो फिर तो फिर यहाँ पर जो है फ्लक्स में चेंज हो जाएगा और फ्लक्स में चेंज होने से क्या होता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम कह सकते हैं वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ई क्रिएट होता है तो उसी इंड्यूस्ड ई को चलिए अभी हम लोग पता करेंगे हम हम जानते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ़ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो फिर यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये तो phi b तो सिर्फ एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है अगर हमें इंड्यूस्ड ई पता करना होगा तो टोटल फ्लक्स में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसे कंसीडर करना होगा तो यहाँ पर यहाँ पर हम कहेंगे टोटल फ्लक्स जो है यह है n phi सब बी अब ये जो एन फाई बी है ये एल आई के बराबर है तो फिर तो फिर यहाँ से आगे देखें इसी चीज़ को हम कहेंगे कि डी डी टी नेगेटिव ऑफ डी डी टी ऑफ ऑफ एल आई तो अब देखें यहाँ से l जो है ये l तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है ये तो इसका अपना प्रॉपर्टी है सोलिनॉयड का अपना प्रॉपर्टी है तो टाइम इंडिपेंडेंट है इसे इस 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 सेक्शन के बाहर ले जाए एज कॉन्स्टेंट और यहाँ पर हमें मिलेगा डी आई डी टी डी आई डी टी तो ये हमें ये बताता है ये एक्सप्रेशन जो है ये हमें ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ई एम एफ होगा इंड्यूस्ड ई एम एफ अगर हम करेंट को वेरी करें करंट को चेंज करें तो फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा इस केस में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहा जाता है या सेल्फ इंड्यूस्ड ई कहा जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड क्यों क्योंकि क्योंकि ये खुद इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और उसी के कारण इसमें इंड्यूस हो रहा है ई इसमें इंड्यूस हो रहा ई जो इसके कॉज को रेजिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ तो पहले मैं ये लिख दू कि इसे कहा क्या जाता है इसे सेल्फ सेल्फ इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ई कहा जाता है या फिर इसे बैक ई भी कहा जाता है बैक ई एम एफ बैक ई एम एफ क्यों क्योंकि आप यहां पर ध्यान दें कि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है मतलब ये जो बैटरी है ये बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप कर रहा है इस सोलिनॉयड के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा है अब इस केस में इस केस में अगर करंट वेरी करे इन सर्टन सिनैरियो अगर करंट करंट संभाव वेरी करता है चेंज करता है तो ऐसे केस में ये उल्टे तरफ ये जो बैक ईएमएफ बनेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो अपने कॉज को ही रेजिस्ट करेगा अगर करंट मान ले इंक्रीज़ कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज़ कर रहा है इस डायरेक्शन में तो ये ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर कहें जो बैक ईएमएफ बनेगा ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा लेंजेज लॉ यही कहता है कि उसके कॉज को रेजिस्ट करेगा तो अगर करंट इंक्रीज करे मतलब अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज़ करे तो तो उस चेंज के कारण करंट में चेंज के कारण एक बैक उल्टे तरफ एक इंड्यूस्ड ई क्रिएट होगा जो कि इसके असर को जो मेन रीजन है जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा इसके असर को इस केस में घटाएगा अगर हम करंट को इंक्रीज करें तो तो ये है बैक ई एम एफ का कॉन्सेप्ट तो इसीलिए इसीलिए जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो करंट यहाँ जब जब एस्टेब्लिश किया जाता है उस समय करंट इमीडिएटली मैक्सिमम वैल्यू को रीच नहीं करता है और इमीडिएटली अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं हो जाता है पूरी तरह से बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि देखें जैसे ही करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू करता है जैसे ही वो शुरू करेगा वैसे ही यहाँ पर फील्ड बनना शुरू हो जाएगा और जैसे ही फील्ड थोड़ा सा भी बनेगा तो चूंकि फील्ड नहीं था अब फील्ड बनने लगा तो फ्लक्स बनेगा फ्लक्स में चेंज बनेगा अब फ्लक्स में चेंज होने के कारण पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ओपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करना चाहिए था ड्यू टू दिस बैटरी वो सेटअप ही नहीं हो पाएगा पूरी तरह से वो धीरे धीरे बढ़ेगा फिर क्योंकि उसके उल्टे तरफ से बैक ईएमएफ बन रहा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम वैल्यू को इमीडिएटली रीच नहीं कर पाएगा उसी चीज को चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मान ले अगर मान ले यहाँ पर एक सेल है एक बैटरी है दो वोल्ट का बैटरी है मान ले दो वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर एक रेजिस्टर है दो ओम का रेजिस्टर है तो यहाँ पर करंट जो है करंट एस्टेब्लिश होगा यहाँ पर इस सर्किट में ऐसे इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा दैट करंट विल बी इक्वल टू वन एम्पियर ये हमें पता है तो अगर उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ में प्लॉट करें तो फिर तो फिर वो कुछ ऐसा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में मान लें हमने स्विच को ऑन किया ये स्विच को ऑन किया गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में स्विच को ऑन किया गया तो ये जो करंट है ऑलमोस्ट इमीडिएटली ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा लेटेस्ट से कि इस जगह पे वन एम्पियर है इस इस ग्राफ में इस जगह पे वन एम्पियर है तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ऑलमोस्ट इमीडिएटली ये वन एम्पियर पहुंच जाएगा और फिर करंट जो है वन एम्पियर का बनेगा अब देखिए हमने एक वायर लिया मान लें लंबा सा वायर लिया और उस वायर का रेजिस्टेंस दो ओम का है दो ओम का रेजिस्टेंस है और उसी को मोड़ के ऐसे सोलेनॉइड बनाया गया और बैटरी जो है अब भी दो वोल्ट का है तो इस केस में भी दो वोल्ट का बैटरी अगर दो ओम रेजिस्टेंस अगर उसके साथ कनेक्टेड रहे तो फिर इस केस में भी करंट जो बनेगा करंट वन एम्पियर ही बनेगा लेकिन ये करंट जो है इमीडिएटली सेटअप नहीं हो पाएगा बल्कि इसे सेटअप होने में थोड़ा सा समय लगेगा देखिए ये जो बैटरी है इसका टेंडेंसी है वन एम का करंट बनाना ये इसका टेंडेंसी है मतलब ये बनाने की कोशिश करेगा ये इसकी चाहत है कि वन एम का करंट इस सर्किट में बने तो तो ये जो करंट है अब की बार जो करंट है इस तरह से इमीडिएटली वन एम्पियर को रीच नहीं कर पाएगा यहाँ पर मैं बता दूं ये वन एम्पियर है और मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन एक बना लेता हूँ ये वन एम्पियर इस वैल्यू को ये रीच करने का कोशिश करेगा या इसका टेंडेंसी होगा बैटरी का टेंडेंसी होगा इस वैल्यू को वो रीच करे लेकिन लेकिन अब की बार होगा ये कि, कि यहाँ से जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा करंट जीरो से इंक्रीज करने का जब टेंडेंसी रखेगा जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज करेगा मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पर बदल दूँ सो so, जैसे ही जैसे ही यहाँ पर ये करंट चेंज करेगा इंक्रीज हो रहा है देखिए करंट बढ़ रहा है इसे वन एम्पियर पहुंचना है जीरो से वन एम्पियर इसे पहुंचना है तो जैसे ही थोड़ा सा भी करंट एस्टेब्लिश्ड होगा यहां पर वैसे ही बैक ईएमएफ बनने लगेगा बैक ईएमएफ मतलब उसे रेजिस्ट करेगा करंट को इंक्रीज़ करने से रेजिस्ट करेगा रोकेगा क्योंकि उल्टे तरफ ईएमएफ बन रहा सो so, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर पूरी तरह से सेटअप नहीं होने देगा जितना होने से वन एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जो कि इस बैटरी का टेंडेंसी है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट करेगा जिसे वन एम्पियर का करंट फ्लो करे लेकिन बैक ईएमएफ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट होने से रोकेगा रोकेगा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अब करंट को बनने में और जैसे जितना जितना करंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बैक ईएमएफ बनता जाएगा तो ये करंट जो है ये धीरे 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 मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा इस तरह से ऐसे बढ़ते जाएगा क्योंकि क्योंकि जैसे ही थोड़ा करंट बढ़ेगा बैक ई रहेगा सो so, इसका टेंडेंसी रहेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू को रीच करे। इस तरह से ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू को ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू को ये रीच कर गया इस तरह से तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे केस में करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने के लिए यहाँ इस बैटरी को कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा वैसे तो देखें बैटरी हमेशा काम करता है अगर करंट फ्लो करे एक रेजिस्टर से तो यहाँ से जो एनर्जी है एनर्जी डिसिपेशन हमेशा होता है मतलब हमेशा वर्क डन होता है बैटरी हमेशा काम करता है लेकिन उस काम की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर यहां भी करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी डिसिपेशन होगा इस केस में भी होगा लेकिन उस एनर्जी डिसिपेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि करंट को सिर्फ सेटअप होने में मैक्सिमम वैल्यू सेटअप होने में ही थोड़ा एनर्जी इसे लगाना होगा इस बैटरी को और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा वो एनर्जी स्टोर्ड रहेगा अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा उस फील्ड को बनाने में या उस फील्ड में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे ये अंदर स्टोर्ड रहेगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा सो so, उस पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे वो स्टोर रहेगा वो आगे चल के रिकवर्ड होगा उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं फिलहाल तो देख लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी कितना बैटरी को लगाना होगा इस करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचाने के लिए लेडेस से बैटरी जो है ये बैटरी काम करेगा वर्क करेगा किसके अगेंस्ट वर्क करेगा ये अगर अगर बैक ई ना बनता तो इसे कोई काम नहीं करना पड़ता मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के लिए सिर्फ एनर्जी डिस्पेशन होता जूल्स लॉ के हिसाब से उसके लिए उसे काम करना पड़ता लेकिन इस केस में इसे काम करना होगा सिर्फ करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू तो तक तो ये जो काम करेगा वर्क अगेंस्ट ये जो सेल सेल है जो सोर्स है इट विल वर्क अगेंस्ट बैक ई जो बैक ई बन रहा है उस बैक ईएमएफ के कारण ही तो इसे काम करना पड़ रहा है उसी वही तो रेजिस्ट कर रहा इसके इसे मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में रोक रहा वही सो so ये अगेंस्ट बैक ईएमएफ काम करेगा और ये बैक ईएमएफ जिसे कि हम हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है ये बैक ईएमएफ और हमने इसे कैलकुलेट भी किया था यहाँ पर हमने इसे कैलकुलेट किया था बैक ईएमएफ को यहाँ इस फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया था एल डी आई डी टी तो ये वाला वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू हम यूज़ करेंगे एल डी आई डी टी सो वैसे तो बैक ई एम एफ का जो वैल्यू है ये वैल्यू दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये हमने देखा था यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो काम होगा बैटरी जो काम करेगा ये काम जो है ये काम अगेंस्ट ई एम एफ करेगा देखे जो पावर पावर जनरेट करेगा वो बैटरी दैट पावर दैट पावर कैन बी रिटर्न एज डी डब्ल्यू डी टी डी टी समय में डी डब्ल्यू काम करेगा तो पावर इज इक्वल टू पी वर्क डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज इक्वल टू पावर तो उसी को डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखा गया अब देखिए दैट शुड बी इक्वल टू दैट शुड बी इक्वल टू हमें पता है कि अगर किसी सर्किट में वोल्टेज V हो और वहाँ से करंट I फ्लो करे तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू उस सर्किट के द्वारा पावर डिसिपेशन इज़ इक्वल टू V इंटू आई अब देखिए यहाँ पर V के जगह हम सब्सटीट्यूट किसे करेंगे एप्सिलॉन को यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है उसे लेकिन काम कौन कर रहा काम बैटरी कर रहा ये ये बैक ईएमएफ के द्वारा किया हुआ काम इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे उसके अगेंस्ट जो काम कर रहा बैटरी उसके बारे में बात कर रहे हैं सो so यहां पर पावर डिसिपेशन बाय बैटरी बैटरी कितना काम कर रहा उसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग पावर डिसिपेशन या पावर जनरेटेड बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव एफ नेगेटिव बैक ई क्योंकि इसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है इन टू इन टू करेंट तो यहां पर अब वैल्यू पुट करते हैं सो so यहां पर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ एल डी आई डी टी तो ये हो गया एप्सिलॉन बैक ई एम एफ और यहां पर आई सो so इसी को ऐसे लिख लेते हैं नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया सो एल आई डी आई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी टी यहां से डिनोमिनेटर से डी टी हम कैंसिल कर सकते हैं सो सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई तो यहां से अगर टोटल वर्क टोटल वर्क अगर देखे टोटल वर्क को W नाम दे देते हैं टोटल वर्क इज W, सो so दैट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ L I डी आई कहाँ से कहां तक आप अगर गौर करें इस जगह पे तो कहां से कहां तक करंट इनिशियली जीरो था जीरो से मैक्सिमम वैल्यू लेट से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज आई एम या फिर आई ही रख देते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज आई तो जीरो से आई करंट सेटअप करने के लिए जीरो से आई करंट सेटअप करने के लिए जो वर्क डन बाय द बैटरी होगा उसकी बारे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं सो दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एल को बाहर रख सकते हैं हम लोग सो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई टू आई अब देखिए दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एल और यहाँ पर आई डी आई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और लिमिट इसका जीरो टू आई सो दैट इज इक्वल टू हाफ हाफ ये हाफ हाफ एल आई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन वर्क डन बाय द बैटरी इतना काम इसे करना होगा करंट uh, को मैक्सिमम वैल्यू तक सेटअप करने के लिए और वो काम किस में स्टोर रहेगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर रहेगा मैकेनिक्स में वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी अगर किसी किसी बॉडी पे हम कुछ काम करते हैं तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी के तौर पे स्टोर रहता है या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेड हाफ एम वी स्क्वेड यहां पर आप देखे ये ये भी कुछ उसी तरह का फॉर्मूला है तो यहां पर L जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस बिहेव कर रहा जैसे कि मैकेनिक्स में मास बिहेव करता है मास के पास इनाशिया होता है इसीलिए तो आ, मास मास को मूव करने के लिए इसके 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 मोशन को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इसका जो इनारशिया होता है जो इनहरेंट प्रॉपर्टी है इनारशिया वो उसके चेंज को मोशन के चेंज को रेजिस्ट सा करता है वैसे ही यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है एक सोलिनॉयड का वो क्या करता है वो उसके अंदर जो जो चेंज है करेंट का चेंज या फ्लक्स का चेंज जो है उसे होने से ये वो रेजिस्ट करता है ई एम एफ को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में वो रेजिस्ट करता है ये बैक ई एम एफ क्रिएट करता है बैक ई एम एफ इज ए काइंड ऑफ इनर्शिया, सो मास के साथ जैसे इनार्शिया जैसे इसके साथ इनार्शिया प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होता है वैसे ही इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के साथ बैक ई एम एफ बैक ई एम एफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होता है अब आप आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये जो काम कर रहा है बैटरी ये जो काम कर रहा है ये तो आ, पावर डिसिपेशन या एनर्जी डिसिपेशन के तौर पे ये हीट के तौर पे तो ये रिलीज नहीं हो रहा तो क्या ये वर्क गायब हो रहा है या फिर ये जो काम किया गया ये एनर्जी क्या गायब हो रहा नहीं ऑब्वियसली नहीं यहाँ पर यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड है अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड है क्या इसे रिकवर नहीं किया जा सकता बिल्कुल रिकवर्ड होगा अगर आप इस स्विच को जो ऑन किया गया था जिसके कारण ये करंट इस तरह से सेटअप हुआ जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे सबसे पहले तो देखिए इसे जब हम ऑफ करेंगे इस इस करंट को जब हम ऑफ करेंगे इस सर्किट को जब हम ऑफ कर देंगे स्विच को ऑफ कर देंगे तो उस समय क्या होगा उस समय इमीडिएटली इमीडिएटली करंट जो है इमीडिएटली जीरो में पहुंच जाएगा जैसे इमीडिएटली बढ़ा, बढ़ा था मैक्सिमम वैल्यू तक वैसे ही मैक्सिमम तक मैक्सिमम से जीरो तक ये इमीडिएटली पहुंच जाएगा तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर इसे स्विच ऑफ किया गया तो इसका टेंडेंसी होगा ये जो है इसका टेंडेंसी होगा कि ये यहां से यहां से घट के जीरो हो जाए बैटरी अब एनर्जी लगाना बिल्कुल छोड़ देगा या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना बिल्कुल छोड़ देगा जिसके कारण कि इस करंट को जीरो इमीडिएटली पहुंच जाना चाहिए था लेकिन देखें अब क्या होगा यहां पर अब यहां पर जैसे ही स्विच को ऑफ किया गया और या जो मेन मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला कारण था वो अगर चला गया बैटरी अगर इसे पुश करना छोड़ दिया उस समय इसका टेंडेंसी होगा इस पूरे सर्किट का टेंडेंसी होगा कि करंट जो है जीरो पहुंच जाए लेकिन जैसे ही यहां पर थोड़ा सा करंट घटेगा जैसे ही करंट घटना शुरू हुआ तो क्या होगा फ्लक्स में चेंज आएगा क्योंकि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट तो करंट जैसे ही चेंज होगा फ्लक्स में चेंज होगा फ्लक्स फ्लक्स होगा फ्लक्स 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 भी घटेगा घटने से क्या में चेंज होने से क्या होता है इंड्यूस्ड इंड्यूस्डीएमएफ बनता है जो उसके कॉज को ही रेजिस्ट करता है लेंसेज लॉ उसके कॉज को ही रेजिस्ट करेगा मतलब अब अब की बार इसे घटने से रोकेगा जब यह घटने लगा तो अब की बार इसे घटने से रोकेगा और ऐसे करंट इमीडिएटली ज़ीरो ना होके बल्कि धीरे 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 जीरो को अप्रोच करेगा जैसे यहाँ पर धीरे 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 बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया था वैसे ही स्विच ऑफ करते साथ ये धीरे, धीरे 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 मिनिमम वैल्यू इज़ जीरो उसे अप्रोच करेगा और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो एरिया है ये एरिया आपको एनर्जी नहीं दे रहा आई नो आप भी आपको भी पता है ये एनर्जी नहीं बता रहा है ये जो एरिया है बल, बल्कि ये आपको एक इंटवेशन देगा एक अंदाज़ा देगा कि करंट जिस तरह से धीरे 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 धीरे, धीरे बढ़ते हुए मैक्सिमम वैल्यू रीच किया था वैसे ही धीरे 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 घटते घटते जीरो को अप्रोच कर रहा मतलब जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड था इस केस में इस दौरान जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर स्टोर हुआ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जो स्टोर्ड हुआ वही वही एनर्जी इस दौरान ये रिकवर करेगा भले ही बैटरी एनर्जी लगाना छोड़ दे बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना छोड़ दे लेकिन यहां पर करंट भी इमीडिएटली जीरो नहीं होगा बल्कि धीरे 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 जीरो होगा और जो एनर्जी स्टोर्ड था वही एनर्जी इस दौरान इस दौरान वही एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट इस पूरे इस इस घटना को या इसे सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है और ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है तो ये सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस का था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगले वीडियो में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पर बात करेंगे पूरे प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें गुड बाय